नमस्कार साथियों, एसटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका गूगल एडवर्ड अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो ऐसी कंडीशन पर आप अपने अकाउंट का सलूशन कैसे निकाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में वही सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये सारा काम आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं ये कि आपका अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जो अपनी वीडियोज वगैरह को प्रमोट करते हैं या फिर अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें गड़बड़ी करते हैं, तभी आपके सामने ये प्रॉब्लम आती है। यानी ये कि आप जो है गूगल एडवर्ड की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उस हिसाब से आप सारा काम नहीं करते हैं, तभी आपका अकाउंट को जो है गूगल एडवर्ड आपके अकाउंट को जो है सस्पेंड कर देता है। तो ऐसी कंडीशन पर आपको क्या करना होगा और कैसे आपको ठीक करना है, चलिए उसे भी हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल एडवर्ड के अकाउंट पर आपको अपने अकाउंट को जो है लॉग इन कर लेना है। जैसे कि मैंने जो है यहाँ पर अपने अकाउंट को जो है लॉग इन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन शो कर रहा है, यूर अकाउंट इज सस्पेंडेड। मतलब ये कि मेरा अकाउंट जो है फाइनली तरीके से सस्पेंड हो गया है। तो सस्पेंडेड अकाउंट को कैसे रीएक्टिवेट करना है, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह कॉन्टैक्ट यूज का एक ऑप्शन मिलता है और लर्न मोर का ऑप्शन मिलता है। तो आपको क्या करना होगा, कॉन्टैक्ट यूज वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए आपके सामने इस तरीके से एक नया टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को पूरा का पूरा आपको फिल करना है। जो भी डिटेल आपको यहाँ पर मांगी जाती है वो सारा डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर कौन कौन सी डिटेल मांगी गई है उसे भी हम जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको कह रहा है कॉन्टैक्ट नेम, मतलब आपका जो भी नाम है वो आपको देना है, या फिर आपके यूट्यूब चैनल का नाम है या फिर वेबसाइट का नाम है, आप वो नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा और यही ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर दे देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है जो भी आपके अकाउंट से रजिस्टर्ड है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको कह रहा है गूगल एडवर्ड का जो आपका कस्टमर आईडी है वो आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आपको नहीं पता है ये कहाँ पर मिलेगा तो आपको अपना गूगल एडवर्ड अकाउंट पर जाना होगा और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर आपका कस्टमर आईडी नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप अपना वेबसाइट का नाम दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपनी वेबसाइट के बारे में दे सकते हैं कि आपकी वेबसाइट किस विषय पर है। इसके बाद यहाँ पर आपने जो पेमेंट किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है डू यू हैव सिंगल मल्टीपल गूगल एडवर्ड अकाउंट। अगर आपके पास एक से अधिक अकाउंट है तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है। अगर आपका सिंगल अकाउंट है तो आपको सिंगल वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप कहते हैं कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है इसके ऑनर आप ही हैं, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। अगर आपके कोई और है आपके वेबसाइट का प्रमोट कर रहा है तो आप यहाँ पर और भी ऑप्शन है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अपने गूगल अकाउंट का जो पेमेंट का डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर देना होगा कि किस चीज से आप पेमेंट कर रहे हैं और आपने किस से पेमेंट किया है, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, इनवॉइस, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक ट्रांसफर, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपने लास्ट पेमेंट कब की थी उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी, किस डेट पर। ये डिटेल आपको कहाँ पर मिलेगी, जब आप अपना गूगल एडवर्ड अकाउंट पर जाएंगे और ये सेटिंग का आइकन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलिंग डिटेल की यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन खुल जाएंगे और यहाँ पर आप समरी पर जाएंगे तो देखिए आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ट्रांजेक्शन आपने कब किया था लास्ट वाला, तो यहाँ पर आप ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ज्यादा ही जानकारी लेना है तो आपको एक ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पर जाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी, आपने कब पेमेंट किया है, क्या डेट थी वो, तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप यहाँ से डेट को जो है कॉपी करके या फिर यहाँ पर उस डेट को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी कंट्री पर बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स देनी है और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में देना है कि आपके बिजनेस किस चीज में है और किस पर्पज पर है। इसके बाद आपके सामने क्या प्रॉब्लम है वो सारी चीजों को आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है सबमिट एंड अटैचमेंट, तो यहाँ पर आपको एक फोटो अपलोड करना है, यानी इमेज अपलोड करना है जो आपके सामने एरर आ रहा है। तो ये वाली जो फोटो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका शॉर्टकट की स्क्रीन आपको लेकर जो है यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, या फिर आपके जो ईमेल पर आया है मेल उसको आपको शॉर्टकट स्क्रीन लेके जो है उसे भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए तो देखिए आपके सामने इस तरीके से एक नोटिफिकेशन शो करेगा, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग गूगल एंड सपोर्टेड। मतलब ये कि आपने जो आवेदन किया वो सफलतापूर्वक जो है गूगल के पास चला गया है। इस तरीके से आप अपनी रिक्वेस्ट को दर्ज करा सकते हैं गूगल एडवर्ड के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक जरूर से कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, लव यू ऑल।